हाय गाइड्स, आप ऑटो वाले अंकल चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप लोग को मालूम है आज जो है अजय देवगन मास महाराजा की मूवी आज रिलीज हुई, और जो है 9 बजे का तो शो नहीं मिला देखने को, लेकिन 10 बजे का शो देखा। मूवी जो है 2 घंटे 22 मिनट की है। 10 बजे के शो में इंटरवेल हो गया है, फर्स्ट हाफ हो चुका है, उसका मैं ओपिनियन रख रहा हूँ अपना। दोस्तों, मूवी तो बोरिंग नहीं लग रही है, वही मर्डर मिस्ट्री है अभी भी चल रही है। तो सबसे खास बात यह है कि इंटरवेल के 5 मिनट पहले जो है अक्षय खन्ना की री एंट्री हुई है, आईजी बताए हैं वो। अब जो है वो जो मर्डर मिस्ट्री का जो केस है वापस रीओपन होने जा रही है। मतलब इसके अंदर जो है पीछे से मतलब पुलिस वाले ऐसी साजिश चल रहे हैं, अजय देवगन को भी नहीं मालूम है, उनके बाजू में ही भाड़ बंगला खरीद के जो है रह रहे हैं और वो पुलिस वाले निकलते हैं। अब देखते हैं ये कितना इंटरेस्टिंग, कहाँ तक अजय देवगन को मतलब वो जो है मर्डर हुआ है, उसके जो बॉडी है कहाँ शिफ्ट किए हैं, कैसे है, उसको पता लगाने के लिए अब जो है अक्षय खन्ना जो है जो जाल बिछाए थे उसमें अजय देवगन फंस पाते हैं कि नहीं पाते हैं। लेकिन ये मूवी देख करके मुझे पुलिस और पब्लिक की याद आ गई, जो कि राजकुमार सर ने जो भूमिका निभाई थी वैसे ही सेम जो है अक्षय खन्ना भी भूमिका निभाते हुए दिख रहे हैं। तो दोस्तों, मूवी जो है अभी तक अच्छी लग रही है, और कॉमेडी उमेडी नहीं है, सस्पेंस है। और मैं आपको बता दूं कि पहली बात है कि बहुत दिन हो गए ऐसे सस्पेंस और एकदम साधारण एकदम साफ सुथरा देखे हुए, जो कि ये जो है एक मर्डर मिस्ट्री जो मूवी है चल रही है फर्स्ट पार्ट से। तो ये सेकंड पार्ट है दृश्यम 2 जो है, मतलब अजय देवगन अभी भी अच्छे काम करते हुए दिख रहे हैं। और आपको मैं क्या बोलूं कि पहली बात ये है कि मूवी जो है छोटी मूवी है, और मूवी को मैं ब्लॉकबस्टर सुपर हिट तो नहीं बोल सकता, लेकिन जिस हिसाब से ये मूवी सस्पेंस बनाए हैं उस हिसाब से पब्लिक इसे पसंद करेगी। क्यों पसंद करेगी? क्योंकि ऐसी मूवी ज़्यादातर पब्लिक पसंद करती है। अब रहेगी, अब आगे क्या होता है वो देखने के बाद ही मालूम पड़ेगा। लेकिन पहली बात यह है कि इस मूवी का जो बैकग्राउंड म्यूजिक है, और वो झटके में जो अंधेरे बिंधेरे में निकलते हुए दिखाई देते, चाहे कोई भी हो वो म्यूजिक दे रहे हैं, उसके ऊपर ये मूवी पूरी टिकी हुई है। तो म्यूजिक की वजह से ये मूवी और भी अच्छी लग रही है। बैकग्राउंड म्यूजिक और जो म्यूजिक दिए हैं बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं अभी तक जो फर्स्ट हाफ हुआ है इसे मैं जो है पूरे के पूरे जो है 4 स्टार देता हूं, क्योंकि मुझे अच्छी लग रही है मूवी। तो दोस्तों, बस इतना ही। ऑटो वाले अंकल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, जय हिंद।